Good morning, everyone. Welcome back to the 247. My name is Sonu and this is your daily current affairs show. आज का जो हमारा शो होने वाला है उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. ओके, सो उससे पहले आज का एक मॉर्निंग कोट देख लेते हैं. मॉर्निंग कोट से आज की शुरुआत करते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्लाइड. ओके, सो माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट. ओके, यानी आप जैसा सोचते हैं वो आपको डिफर करता है बाकी लोगों से. ठीक है, आपको पता है हर एक फील्ड में इतना कॉम्पिटिशन है. आप खुद अगर प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जामिनेशन की, आपको पता है आपको वहाँ पर कॉम्पिटिशन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा. ठीक है, आप अगर दूसरों से अलग बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपना माइंड सेट दूसरों से डिफरेंट रखें. ठीक है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करें. अगर आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे, अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो पक्का एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा. ओके, सो अगर आप यहां पर आ चुके हैं सभी तो आप यस मैम लिख सकते हैं. फिर हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. ओके, सो दिस इज द वन क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द डेज. ठीक है, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? डेज से रिलेटेड है. यू हैव टू टेल मी विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड अस्थमा डे. ठीक है, आपको मुझे यहाँ पर बताना है कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हमारा हो सकता है. ओके, अगेन यू ऑल्सो हैव टू टेल मी वट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अस्थमा डे. ओके, so the correct answer here is option number C, that is 7th May. Okay, so option number C is the correct answer here. Okay, so 7th May is observed as the World Asthma Day and the theme was Stop for Asthma. Okay, so this was the theme of the World Asthma Day. It was observed by the GINA. That is Global Initiative for Asthma. ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे को. देखो हर एक मई का जो फर्स्ट ट्यूजडे आता है, एवरी फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ मई मंथ इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड अस्थमा डे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो विच स्टेट असेंबली पास्ड एन एक्ट टू अलाउ शॉप्स and businesses to remain open 24/7. That is, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी स्टेट असेंबली है जिसने एक बिल पास किया है जिसके बाद जो हमारी बिजनेसेस होते हैं वो ओपन रहेंगी, जितने भी वहाँ पर शॉप्स होती हैं वो ओपन रहेंगी 24/7. ओके, सो द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मुझे बताना है. व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर हियर इन ए बी सी डी ऑप्शन. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ गुजरात असेंबली. ओके, so option number B is the correct answer here. And the important point is who is the chief minister and who is the governor of Gujarat. Okay, so Gujarat chief minister is Vijay Rupani. Okay, who is Vijay Rupani? He is the chief minister of Gujarat. Okay, and the governor is Om Prakash Kohli. He is the governor of Gujarat. Okay, now let's talk about some of the dams which are important for the Gujarat state. Okay, so Sardar Sarovar Dam, one is Sardar Sarovar Dam. It is built on the Narmada River. Okay, so Sardar Sarovar Dam is important for us. It is built on Narmada River, and the Ukai Dam, it is also in Gujarat and it is built on Tapi River. Also, Dantiwada Dam is built on the Banas River. It is also located in the Gujarat. Okay, I hope this is clear to you. Let's move to the next question. Global card payment brand MasterCard announced investment of $1 billion in which country? Okay, so आपको बताना है MasterCard जो है उसने $1 billion का investment किया है. कौन सी country में investment किया है? A, B, C, D option में से यहाँ पर हमारा क्या correct answer हो सकता है? Okay, so the correct answer here is option number D, that is India. Okay, so MasterCard ने जो announcement किया है वो कहाँ पर किया है? India में किया है ये पूरा investment. अब यहाँ पर आपके लिए जो चीज़ important है वो है यहाँ पर लाइक हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ MasterCard. ओके, सो अगर आपको यहाँ पर पता है कि MasterCard के प्रेजिडेंट कौन हैं तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अजय बंगा,
is the president of what? MasterCard. Okay, so let's move to the next question. Bangladesh and which country will produce a film on the life of Bangla Bandhu Sheikh Mujibur रहमान. ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन भी इनको बुलाया जाता है. इनके ऊपर एक पूरी मूवी बनने वाली है. आपको बताना है बांग्लादेश और कौन सी कंट्री मिलकर ये पूरी मूवी बनाने वाले हैं. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है. ओके, सो बांग्लादेश जो पार्टनरशिप कर रहा है इस मूवी के लिए वो किसके साथ में है, बांग्लादेश और इंडिया का. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर. बांग्लादेश इंडिया मिलकर एक मूवी बनाने वाले हैं, फादर ऑफ द नेशन. किस, कौन से फादर ऑफ द नेशन? ऑफ बांग्लादेश. ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी. बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है. करेंसी क्या है यहाँ पर? टका है. ओके, तो ये चीज़ स्टैटिक फैक्ट से जो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए थे. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो इंडिया यूएस बायलेटरल ट्रेड मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी. ओके, अभी रिसेंटली इंडिया यूएस की एक बायलेटरल ट्रेड मीटिंग हुई है. आपको बताना है वो कौन सी सिटी में हुई है. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यू दिल्ली. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. टोटल हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं. आपको यहाँ पर बताना है पांचवें से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर ठीक किए हैं. ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फुली मैनेज्ड अज़्योर ब्लॉकचेन सीरीज. ठीक है, तो अपनी एक ब्लॉकचेन सीरीज निकाली जो किसने बनाई है, खुद उस कंपनी ने पूरी बनाई है, खुद उसको ओन किया है, मैनेज किया है. ठीक है, तो आपको जो नाम याद यहाँ पर रखना था वो क्या है, एज़्योर है. और ये किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट. ओके, सो एज़्योर से आपसे पूछा जाएगा तो आप माइक्रोसॉफ्ट का नाम जो है बता देंगे. ओके, अब यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हु इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के अगर आपसे सीईओ पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, सत्य नडेला जो है वो क्या है, सीईओ है किसके, माइक्रोसॉफ्ट के. ओके, सो सत्य नडेला का जो नाम है आपको यहाँ पर याद रख लेना था. हेडक्वार्टर जो माइक्रोसॉफ्ट का है वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है. ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सिमोन नूर से पास अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. ओके, सो ये क्वेश्चन जो है आपका एक ओबिटोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है. आजकल आपके जो भी सेशन आ रहे हैं उसमें एक ओबिटोरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो ही जाता है. सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिकेटर. ओके, सिमोन नूरसे वॉज अ क्रिकेटर एंड ही बिलोंग टू द वेस्ट इंडीज टीम. ओके, वो कौन सी टीम के लिए खेलते थे, वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे, ये भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए. सो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एथलेटिक डे 2019. आपको यहाँ पर बताना है वर्ल्ड एथलेटिक डे जो है 2019 के लिए कब मनाया गया. ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है. ओके, सो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो अगेन क्या है, 7 मई है. ओके, सो अगर आपसे ये डे भी पूछा जाएगा, वर्ल्ड एथलेटिक डे पूछा जाएगा, तो भी आप क्या बता देंगे, 7 मई यहाँ पर आपको बता देना है. इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर था वो 7 मई ही था. आपसे अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड फर्स्ट एथलेटिक डे वो सेलिब्रेटेड ऑन, सो आप बता देंगे 1996. इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द IAAF. ओके, सो IAAF जो है वो इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इस डे को. ओके, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, 1996 में सेलिब्रेट किया गया था. ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होंगी. देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ओके, सो आई होप कि आप ये सारा सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा. अगर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो यू कैन लाइक द सेशन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटका गवर्नमेंट लिमिट द वेट ऑफ स्कूल बैग्स नॉट मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ चाइल्ड्स वेट. ओके, आपको यहाँ पर बताना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी गवर्नमेंट ने स्कूल बैग्स के वेट के ऊपर एक लिमिट लगाई है, तो आप क्या आंसर करेंगे, आप कर्नाटका आंसर कर देंगे. अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा, चाइल्ड का जितना वेट है उससे कितना परसेंटेज ही हो सकता है स्कूल बैग, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10%. ओके, सो चाइल्ड का जो भी वेट है उसके 10% तक ही उसके बैग का वेट हो सकता है, ये पॉसिबल है. अब यहाँ पर आपको ये बताना है मुझे कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका.
Okay, so H.D. Kumaraswamy is the Chief Minister of Karnataka and Vajubhai Vala is the Governor. Okay, ये दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ पर याद रख लेनी थी. Okay, अब यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट की गई थी कि जो थर्ड सैटरडे होगा, एवरी थर्ड सैटरडे ऑफ ईच मंथ विल बी नो स्कूल बैग डे. Okay, that means children will not carry any school bag on every third Saturday of each month. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया है. This is clear to you. अगर आपको ये समझ में आया है तो comment section में आप बोल सकते हैं yes ma'am, it is clear. Okay, so देखते हैं आज का हमारा next question क्या है. So what does E stands for in VPA? ठीक है, आपको बताना है VPA जो है उसमें A का क्या मतलब है. ये जो आपका एक क्वेश्चन है वो बैंकिंग एब्रीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. आपको पता है आपका जो क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में बैंकिंग अवेयरनेस में वहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जा सकते हैं. इसी में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो आपके एब्रीवेशंस होंगे. ठीक है, तो आई विल ट्राई कि हम आने वाले सेशंस में कुछ बैंकिंग एब्रीवेशंस को भी ऐड करें ताकि आपकी ये जो एब्रीवेशंस है वो भी याद हो जाएं. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एड्रेस. ओके, सो अब यहाँ पर हमें जो देखना है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPA एंड व्हाट इज़ VPA. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. ओके, सो VPA इज़ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. ठीक है, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बता देंगे. इज़ एन आइडेंटिफायर दैट कैन बी यूनिकली मैप्ड टू एन इंडिविजुअल अकाउंट. ठीक है, तो किसको साथ मैप किया जाता है, इसको रिलेट किया जाता है, किसी अकाउंट के साथ रिलेट किया जाता है. UPI सर्विसेज ऑफर्स कस्टमर्स द ऑप्शन टू क्रिएट VPA टू मेक एंड रिसीव पेमेंट. ठीक है, आप जब UPI यूज़ करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है VPA क्रिएट करने का, अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्रिएट करने का, ताकि आप अपना जो मनी है उसको रिसीव कर पाए और ट्रांसफर भी कर पाए. ओके, सो आपको VPA जो है यहाँ पर याद रख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पर ले सकते हैं. ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ 11th आर्कटिक काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग वेयर इंडिया वाज री इलेक्टेड एज ऑब्जर्वर टू आर्कटिक काउंसिल. ठीक है, तो इंडिया को यहां पर दोबारा इलेक्ट किया गया था. आपसे इस काउंसिल का वेन्यू पूछा जा सकता है. ओके, सो यहां पर जो हमारा वेन्यू है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज फिनलैंड. ओके, सो फिनलैंड वॉज द करेक्ट आंसर हियर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? इट इज हेलसिंकी. ओके, एंड द करेंसी इज यूरो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. फिनलैंड, हेलसिंकी, यूरो. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन? इट इज स्टॉकहोम. ओके, एंड द करेंसी इज क्रोना. ओके, ये दोनों चीजें आपको यहां पर याद रख लेनी थी. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ओके, सो विच एम्फीबियन विल बी क्राउंड एज केरलास स्टेट एम्फीबियन. देखो, हमारे हर एक स्टेट जो है उसका कुछ ना कुछ स्टेट बर्ड होता है, स्टेट एनिमल होता है. अब यहाँ पर केरला का जो स्टेट एम्फीबियन है ABCD ऑप्शन में से वो क्या है? तो केरला ने अनाउंस किया है कि हमारा जो स्टेट एम्फीबियन होगा वो क्या होगा? पर्पल फ्रॉग होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर आप बता रहे हैं वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज पर्पल फ्रॉग. अब यहाँ पर देखो, केरला है, केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए. सो पी सदाशिवम इज अ गवर्नर एंड पिनियारी विजयनन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. ओके, सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे कथक पूछा जाएगा, डांस फॉर्म, कथक के लिए तो आपको क्या बताना है? आपको केरला बताना है. बट अगर आपसे क्या पूछा जाएगा, कथक कली पूछा जाएगा ना, तो आप यहाँ पर क्या बता देंगे? UP बता देंगे. ओके, सो कथक के लिए हमें केरला बताना है और कथक कली के लिए हमें क्या बताना है? UP बताना है. इन दोनों में काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है, जो आपको ध्यान रख लेना है. आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. क्लास अगर आप ऑफलाइन भी देखते हैं तो आपको जो भी डैम से रिलेटेड फैक्ट्स पता है, केरला में कौन कौन से डैम हैं, किस किस रिवर के ऊपर बने हुए हैं, ये आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जैसे इदुक्की डैम है, वो कौन से रिवर पे बना हुआ है? पेरियार रिवर पे बना हुआ है. तो ऐसे ही फैक्ट्स अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है.
IBSA, that is India, Brazil, South Africa, Sherpas meet held in which city? ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में हम पूरा जो भी वेन्यू रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीट्स हुई हैं, उसके ऊपर एक सेशन रखें. जैसे आपका मैं स्टैटिक अवेयरनेस सेशन करवा रही हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवाती चल रही हूँ, वहाँ पर एक सेशन जो हम इससे रिलेटेड भी रख लेंगे, ताकि आपको पीछे तक का सारा रिविज़न हो जाए. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज़ कोचिन. ओके, सो ये मीट कहाँ पर हुआ था? कोचिन में हुआ. तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है. अब देखते हैं हमारा 14 क्वेश्चन क्या है. ओके, टोटल आज के क्लास में आपके 15 क्वेश्चन होंगे. लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप ठीक कर पाते हैं. इरान लाइकली टू विदड्रॉ फ्रॉम न्यूक्लियर डील फॉलोइंग डोनाल्ड ट्रंप्स डिसीजन टू पुल अमेरिका फ्रॉम द अकॉर्ड. ओके, सो आपको यहाँ पर बताना है हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ ईरान, एज वेल एज आप यहाँ पर बता सकते हैं हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान. ओके, सो दोनों ही चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं. ईरान ने खुद को विदड्रॉ कर लिया है किससे? एक न्यूक्लियर डील से. अमेरिका उससे खुद को पहले ही विदड्रॉ कर चुका है, अब ईरान भी उसको विदड्रॉ करने वाला है. तो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है. ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो हसन रूहानी हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. अगर आपसे यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता देंगे, दैट इज़ अदील अब्दुल महदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान. ईरान कैपिटल इज़ तेहरान एंड द करेंसी इज़ रियाल. ओके, सो ईरान तेहरान रियाल इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, सो देखते हैं हमारा फाइनल क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का. और यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप सेशन को लाइक जरूर करें. ठीक है, सो फाइनल क्वेश्चन इज RBI इम्पोज्ड फाइन्स ऑन PPIs फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स. ठीक है, तो RBI ने एक फाइन लगाया है PPIs के ऊपर. यू हैव टू टेल मी वट इज़ द फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर इन द PPIs. ठीक है, जो PPI है उसमें जो ये पहले वाला पी है इसका मतलब क्या है? अगेन यू कैन टेल मी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPI. ओके, सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? प्रिपेयर्ड है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो यहाँ पर जो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए वो क्या है? प्रिपेयर्ड, सेकेंड पी इज़ पेमेंट एंड आई स्टैंड फॉर इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो ये तीनों ही जो हैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. PPI का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप ये बता देंगे. इसके ऊपर RBI ने क्या लगा दिया? एक फाइन लगा दिया है, फाइन इम्पोज किया है. ओके, सो देखिए आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे. इसके अलावा हमारे मंडे वेंसडे फ्राइडे को आपका स्टैटिक अवेयरनेस का भी क्लास होता है, जो आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड तो भी आप कमेंट सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि हम उनको आने वाले सेशंस में इंक्लूड करें. ओके, सो अगर आपको सेशन लगा है तो आप यहाँ पर सेशन को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.